लेट जस्ट सी के सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट को जनरेट करने के लिए या एस ओ आई को जनरेट करने के लिए स्टेप्स क्या होते हैं और जब हम सिस्टम हम सिस्टम डेफिनेशन को लिख रहे होते हैं तो एक्चुअली क्या प्रोसेस होता है या क्या या क्या प्रोसेस होना चाहिए ताकि हम सिस्टम की डिटेल को आइडेंटिफाई कर लें हमारा ऑब्जेक्टिव अभी भी यही है यह कि हमने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बाद हमने बेसिकली सिस्टम की या जो करंट सिस्टम है उसको फर्दर हमने डिटेल में ब्रेक करना है हमने एक लेवल फर्दर की अंडरस्टैंडिंग लेके आनी है तो उसके लिए हमने हमने ये कहा कि हम एस ओ आई सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट को जो उसका आर्टिफैक्ट है जो कॉन्सेप्चुअल आर्टिफैक्ट है उसका प्रोसेस फॉलो करेंगे ताकि हमारे पास एक लेवल फर्दर की डिटेल आ जाए अब ये चीज करने के लिए बेसिकली हम एग्जिस्टिंग सिस्टम को डीकम्पोज करते हैं फ्रॉम टॉप डाउन इसे मुरादी होती है कि हमारे पास एक गिवन सिनेरियो में हम लोग टॉप डाउन जाते हैं यानी होलिस्टिक व्यू से हम स्पेसिफिक व्यू की तरफ जाते हैं मतलब अगर मुझे दस चीजें बताई बताइए मेरे क्लाइंट ने फॉर एग्जाम्पल तो आई विल नॉट नॉटेक हाई प्रिटीज रिक्वायरमेंट यानी मैं कोई बिजनेस वैल्यू अटैच करवाऊंगा क्लाइंट से एंड आई विल पेक द हाइएस्ट बिजनेस वैल्यू रिक्वायरमेंट फर्स्ट और फिर मैं उसको फर्दर ब्रेकडाउन करना शुरू करूंगा हॉलिस्टिक पिक्चर का या और टॉप डाउन का मतलब ये होता है कि यू डोंट यू डोंट ट्राई टू सॉल्व द कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स या ऑल द रिक्वायरमेंट्स एट वंस क्योंकि ये बेसिकली रेसिपी फॉर डिजास्टर होती है तो बेसिकली यू डीकम्पोज अ प्रॉब्लम जस्ट लाइक इन एनी अदर कोर्स यू डू हम अब हम लोग बेसिकली डिकम्पोज करते हैं रिक्वायरमेंट्स को और जो हाइस्ट प्रायोरिटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से हम सिस्टम डिफाइन करना शुरू करते हैं और फिर जब हमारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी की रिक्वायरमेंट की सिस्टम डेफिनेशन आ जाती है फिर हम लोग ये लूप में वी को वी कीप ऑन डूइंग इट और जब हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट्स या सारी हाई हाई प्रायोरिटी बिजनेस वैल्यू रिक्वायरमेंट्स सबकी डेफिनेशन आ जाती है तो एक्चुअली हमारे पास एस वाई बन जाती है तो ये बेसिकली एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है इसके अंदर हम लोग एक एक करके रिक्वायरमेंट को पिक करते हैं और एक एक करके फिर हम आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं कि

स्टेक होल्डर ने हमें कुछ मसले हमने बताए, बताए हमने रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया स्टेक होल्डर ने अपनी नीड बताई अपने कॉन्सेप्चुअल चीजें बताई हमने रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लिया जो हमने किया उसके बाद हमने सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमने एक्चुअली रिक्वायरमेंट लिखना शुरू की अब यहां पे देखें हमने सब रिक्वायरमेंट ए या सिस्टम ए रिक्वायरमेंट सिस्टम बी रिक्वायरमेंट यानी हमने रिक्वायरमेंट्स को बेसिकली तोड़ दिया इनटू मल्टीपल सब कंपोनेंट्स यहां पे मैंने दो कंपोनेंट्स बनाए बट दीज आर मोर तो जिससे मैंने कहा कि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आती है हम रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज़ करते हैं एंड देन वी पिक वन रिक्वायरमेंट और मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स एट अ टाइम बट द बेसिकली डीकम्पोजिशन हो रही है टॉप और हम फिर अपनी प्रॉब्लम्स को डीकम्पोज करते गए हैं और एट द एंड देखें कि हमने डीकम्पोज किया लाइकवाइज सब सिस्टम बी या सिस्टम बी को हमने फर्दर ब्रेक किया वाई और जेड के अंदर तो ये बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच है इसका रिजल्ट ये है कि अब बॉटम में हमारे पास है सिस्टम एलिमेंट डब्ल्यू रिक्वायरमेंट तो अब जब हमारे पास डब्ल्यू रिक्वायरमेंट की डिटेल आ जाएगी तो एक्चुअली ये हमें सिस्टम ए की रिक्वायरमेंट का एक कॉम्पोनेंट होगा लाइकवाइज जो सिस्टम एलिमेंट एक्स की रिक्वायरमेंट है जब हमारे पास ये चीज आ जाएगी तो दोनों मिलके यानी W एंड X बोथ विल फॉर्म द द डिटेल्स ऑफ सब और सिस्टम ए रिक्वायरमेंट तो इस पूरी पिक्चर का बेसिकली होलिस्टिक व्यू ये है कि वी स्टार्ट फ्रॉम जेनेरिक हमारे पास रिक्वायरमेंट सही स्टेक होल्डर से वी स्टार्ट फ्रॉम जेनेरिक एंड वी गो टिल स्पेसिफिक हमने प्रॉब्लम को ब्रेक कर दिया उस वक्त तक जब तक हमने किसी एक रिक्वायरमेंट को पिक करके ड्रिल डाउन करके हमने उसकी डिटेल्स को गैदर नहीं कर लिया तो ये बेसिकली इस पूरे प्रोसेस का आउटपुट एसओ आई होता है अब जस्ट लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एज एन आउटपुट ऑफ एसओ आई हमने रिक्वायरमेंट गैदर कर ली हमने एसओ आई का प्रोसेस हमने रन कर लिया उसके बाद अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास कुछ हमारे पास टेंजिबल एसओ आई की इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल यानी रियलिटी में क्या क्या चीजें ड्राइव हो सकती हैं क्या क्या ऐसी चीज मुझे मिलेगी जो रिक्वायरमेंट्स में नहीं मिलती लेकिन सिस्टम डेफिनेशन में मुझे मिल सकती है फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मुझे मिल रहा है कि जी इनिशियल डेटाबेस का साइज क्या होगा डेटाबेस का ग्रोथ रेट क्या है यानी मैं अगर फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस को डिजाइन कर रहा हूं तो मैंने ये डिसाइड करना है कि यार मैं और जाऊँ माई पे जाऊं एसक्ल सर्वर पे जाऊं तो ये पैरामीटर्स मुझे समझना बहुत जरूरी है कि करंट और डाटाबेस के रिकॉर्ड्स मैं क्या एक्सपेक्ट करूं एनुअल ग्रोथ और के उसकी साइज की है क्या और एवरेज सर्चिस क्या होती है क्योंकि ये बहुत की कंपोनेंट होता है जब हम ये बात करते हैं कि स्पीडी uh, डाटाबेस होना चाहिए या द द रिटर्न रेट और द रिस्पांस रेट शुड बी एज लेस एज इट कुड बी तो ये डिसीजन बहुत जरूरी होता है बोथ इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग यानी मैं नॉर्मलाइजेशन करूं या ना करूं फॉर एग्जाम्पल या मैं क्या की डिसीजन लू टू टू फुलफिल दीज सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एक बहुत की रिक्वायरमेंट होती है परफॉर्मेंस की दूसरी होती है सिक्योरिटी की लीगल इश्यूज की होती है अब परफॉर्मेंस के अंदर फॉर एग्जाम्पल हमको करते हैं कि लोडिंग टाइम शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल तो ये चीज डायरेक्टली कोरिलेट होती है दो चीजों के से के एक मेरा डेटाबेस कौन सा क्या वो इतना हाई स्पीड या हाई स्केलेबल या इतना रिस्पॉन्सिव है कि उसके अंदर हम ऑप्टिमाइजेशन कर सके नंबर टू कि जब मैं डेटाबेस को डिजाइन कर रहा हूं तो क्या एस्पेक्ट मैंने दिमाग में रखना है डिजाइनिंग तो तो मुझे आर एस तो ना मिल रही लेकिन यह मेरे सिस्टम में कॉम्पोनेट है अब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के परस्पेक्टिव में इन चीजों को हम लोग एट टाइम्स यानी फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस या लीगल इश्यू को हम लोग नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी बोल देते हैं लेकिन सिस्टम डिजाइन या डेटाबेस डिजाइन के कॉन्सेप्ट में या उसके प्रस्पेक्टिव में हम इसको एस सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं